ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो लोकतंत्र का महापर्व आज मना रहे हैं। लोकसभा के छठे चरण के लिए मतदान सुबह 7 बजे से ही शुरू हो चुका है और महाराष्ट्र की बात की जाए तो मुंबई की 6 अहम सीटों सहित तो 19 लोकसभा सीटों पर आज लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं, पोलिंग बूथों पर पहुंच रहे हैं और हम भी लगातार अपने दर्शकों से यही अपील कर रहे हैं कि अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, चूंकि ये आपका हक भी है और आपका फर्ज भी है। चुनावी सरगर्मियों को ठंडा करने के लिए और माहौल को थोड़ा खुशनुमा करने के लिए लगातार हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है डॉक्टर मुकेश गौतम। आशुतोष जी भी हमारे साथ मौजूद हैं और इस वक्त लाफ्टर के डबल डोज के लिए हमारे साथ स्टूडियो में पहुंच चुके हैं मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन और फिल्म अभिनेता सुनील पाल जी। सुनील जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू जी, नमस्कार। लेमन के सारे दर्शकों की तरफ, सारे दर्शकों को लेमन और अपना दे मन। सुनील जी, सबसे पहले तो चूंकि हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो भी जागरूक हों और जो घरों से आलस्य के कारण नहीं निकल पा रहे हैं, एक अपील हो जाए आपकी तरफ से कि वो घर से निकले और मताधिकार का इस्तेमाल करें। आलस्य में जयते को मत मानिए, सत्य में जयते को मानिए, क्योंकि हमारे हिंदुस्तान को चलाने के लिए, सही तरह से चलाने के लिए दो चीजें बहुत जरूरी है, एक तो पोलिंग बूथ, दूसरा पोलियो बूथ, और दोनों से ही हमारे देश की जो भविष्य, यानी हमारे जो देश का भविष्य चलेगा, सही बने। बिल्कुल है सुनील जी, आप पहुंच गए हैं तो जाहिर है हम आपसे बहुत सी आपकी जो कविताएं हैं वो भी जानेंगे और मिमिक्री भी हम आपसे जरूर यहाँ पर करवाएंगे, लेकिन सबसे पहले चूंकि हमने डॉक्टर मुकेश हमारे साथ थे तो उनसे भी हमने जानने की कोशिश की, चूंकि कविताओं के या कवियों के जो सबसे ज्यादा निशाने पर रहते हैं वो नेता ही रहते हैं और ज्यादा उनका भ्रष्टाचार रहता है, तो नेताओं के लिए आप क्या करेंगे और क्या कहेंगे, किस तरीके से उन्हें पेश करेंगे नेताओं को? मुकेश, बहुत सारे ऐसे चरित्र भी इस चुनाव में आप मैदान में हैं जिनको आपने हमेशा लड़ते हुए ही देखा होगा, मतलब कभी उन्हें शांत रहते हुए नहीं देखा होगा, लड़ते हुए देखा होगा, इसलिए उन्होंने अपने चरित्र के अनुसार चुनाव लड़ना भी शुरू कर दिया है। जैसे सुश्री राखी सावंत, और आप तो जानते ही हैं कि वो लड़ रही हैं और उनको चुनाव चिन्ह भी इतना प्यारा मिला है, हरी मिर्च काशिए, हरी मिर्च तीखी ना हो वो जीतें तो भी, जीतने के बाद भी वो बिल्कुल तीखी ना रहे, ऐसी मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिल्कुल सुनील जी, भ्रष्ट नेताओं का कुछ आचरण हम आपसे जरूर देखना चाहेंगे कि आखिर जिस तरीके से लोग बदलाव की उम्मीद कर रहे हैं लेकिन लगातार भ्रष्टाचार जो है वो एक बड़ा समस्या बनी हुई है, उसके लिए कुछ तरह तरह के प्रतिनिधि खड़े हैं जिनको हिंदी नहीं आती वो ज्यादा खड़े हैं हिंदुस्तान में। मिसाल के तौर पर मुझे याद है कि एक महिला के पास में एक नेता क्या कहता है, मुझे आपका वोट चाहिए। मैंने कहा, क्या आपका कीमती वोट मुझे चाहिए। बाद में वोट मांगने गया था लेकिन उसने उसकी गलत हिंदी की वजह से प्रॉब्लम हो गया। एक बेचारा वो बोलता था, वो किसी के पास गया, बोला कि मुझे बोट चाहिए। बोले तो ठीक है, नदी में जा, अगर बोट मिले तो ठीक है, तो डूब के मर जा। तरह तरह के लोग, अलग अलग लोग खड़े हैं इलेक्शन में। एक मैं देखा, मैं झुक के कोई मिल रहा, मैंने भाई आप लीडर हैं, आप झुक क्यों रहे? बोले मैं असल में बैंड लीडर हूँ, बैंड बजाता था, अब मैं चुन के आऊंगा तो देश की बैंड बजाऊंगा। एक आदमी देखा मैंने, वो महिला हाथ में, वो शायद सीधा आईपीएल से खड़ी, आईपीएल में जो डांस करती लड़की है जी, वो भी इलेक्शन में खड़ी हुई, जैसे जैसे मुकेश ने बताया कि राखी सावंत खड़ी है, वैसे एक इस टाइप की कोई भी सावंत खड़ी थी जो बार बार स्टेज अपना घर के सामने दरवाजे के सामने आके कहती, मम्मी आपका वोट मेरे लिए, पापा आपका वोट मेरे लिए, मैं आपकी बेटी हूँ, मैं आपकी बेटी हूँ, आपका वोट मेरे लिए। बोले बेटा तू हर बात पर डांस क्यों कर रहे? बोले मैं फिर चीयर लीडर थी, अब मैं चेयर लीडर बनना चाहती हूँ, मुझे कुर्सी चाहिए। तो इस तरह से, और हमारी राखी सावंत के बारे में क्या कहूँ, सबसे पहले तो मैं उससे एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि मेरी प्यारी बहन, कभी तो कपड़े पहन। खैर, वो एक मुद्दा है जिसके ऊपर हम कभी बात नहीं कर सकते। राखी सावंत हमेशा ये कहती कि, पहले तो कहती थी मैं मीडिया की बेटी, मैं मीडिया की बेटी हूँ, मैं मीडिया की बेटी हूँ, मैं मीडिया की बेटी हूँ, मीडिया की बेटी हूँ। उसके बाद फिर अचानक उसने कहा, मैं बीजेपी की बेटी हूँ, मैं बीजेपी की बेटी हूँ। उनका बाप परेशान है, सच बता तू किसकी बेटी है? सच बता राखी, तुझे कहाँ बांधू। बिल्कुल, तो बहुत सही अंदाज सुनील जी आपने दिखाया। नेताओं का अंदाज भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे, जो नेता हैं बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लोगों के बीच जाते हैं चुनाव के समय में कि हमें वोट दीजिए, हम आपके सारे वादे जो हमने किए हैं वो पूरे करेंगे, सारी समस्याएं दूर करेंगे, उनका भी कुछ खास अंदाज होता है। इसके लिए तो मैंने बाकायदा, मेरे भाई आशीष भी जानते हैं, उन्होंने मुझे काफी सपोर्ट किया, और मुकेश जी भी मेरे अच्छे दोस्त हैं। मैंने इन दिनों एक वीडियो लॉन्च किया है यूट्यूब पर जिसका नाम है मोदी राहुल केजरीवाल वोट फॉर सुनील पाल। इस वीडियो में आप देख सकते हैं जितने धुरंधर हमारे इलेक्शन में खड़े हैं, जैसे
राहुल गांधी है, मोदी जी हैं और केजरीवाल, तीनों का मैंने गेटअप करके तीनों का एक अपनी तरीके से उनकी कहानी पेश की है और लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं और मुझे लगता है कि उसको आगे भी बहुत सराहा जाएगा। बिल्कुल, चलिए तो डॉक्टर मुकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं जो कविताओं के जरिए माहौल को थोड़ा बदलने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मुकेश, भाषणबाजी बहुत ज़्यादा चुनावों के वक्त नेताओं की शुरू हो जाती है, तो ऐसे में भाषणों को लेकर कुछ? हाँ, मैं जानता हूँ, जैसे सुनील भाई बता रहे थे कि भाषा का बहुत बड़ा महत्व होता है कि वो जब भाषण देने जाते हैं या कुछ भी बात करते हैं तो उसमें भाषा अगर अच्छी ना हो तो कई तरह की बड़ी दिक्कत हो जाती है। जैसे एक नेता जिसको हिंदी बहुत अच्छी नहीं आती थी, पता नहीं कौन से स्कूल कॉलेज में पढ़ा होगा, जब वो भाषण दे रहा था गुजरात में गया और बोला हम अगर सत्ता में आए तो नर्मदा योजना पर काम करेंगे। कई लोग परेशान हो गए, बोले नर्मदा योजना पर? पीछे से चमचे ने उनको बताया, बोले सर नर्मदा नहीं, नर्मदा योजना। बिल्कुल, तो जाहिर है हम लगातार चुनावी सरगर्मियों के बीच आपको हंसाने की भी कोशिश कर रहे हैं। किस्सा और भी हुआ था मुकेश जी की, शायद मेरे कैसे मेरठ में कहीं नगमा को छेड़ दिया था, याद है ना जी? तो उससे पूछा कभी तूने क्यों लड़की को छेड़ा, नगमा को क्यों छेड़ा? भाई साहब मैं सिंगर हूँ, मेरी कमजोरी है, मुझे किसी ने बोल दिया अच्छा माहौल है, मौका भी है, दस्तूर भी है, नगमा छेड़ो। तो मैं सिंगर होने के नाते मैंने नगमा छेड़ दिया। मुझे क्या पता था कि मुझे यहाँ पर अलग अलग तरह के, जैसे भी पिछली बार प्रकाश सिंह बादल ने कहा था कि मुझे लगता है कि अरुण जेटली जो है वो PM बनने चाहिए, उन्होंने अपना स्टेटमेंट दिया था। मैंने कहा बादल साहब अपने पाँव पे कुल्हाड़ी क्यों मार रहे हैं, जिस दिन अरुणोदय होगा उस दिन सबसे पहले बादल छटेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खूब। और मैं आपके सामने अभी दो चार चीजें और भी बताऊंगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि सबकी राय लीजिए, फिर मैं मुकेश जी और आशुतोष जी का आशीर्वाद लेके मैं चाहूंगा कि आपके सामने मैं मोदी जी का अंदाज भी पेश करूं। और मैं बिल्कुल, और इतने बड़े मिमिक्री आर्टिस्ट हमारे साथ हैं, हमारे सामने हैं, तो बिल्कुल आप नरेंद्र मोदी से लेकर तमाम नेताओं का अंदाज भी देखने की कोशिश करेंगे। आशुतोष जी, आपको बता दें कि इन सबों के बीच एक बहुत शानदार कैरेक्टर है रतन नूरा का। बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल लेंगे हम रतन नूरा का कैरेक्टर, जिससे सुनील पाल है आज है, तो वो हम भला कैसे भूल सकते हैं, वो जरूर हम लेने की कोशिश करेंगे रतन नूरा के बाद। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आशुतोष जी सबसे पहले अगर चुनावी सरगर्मियों की बात करें, चुनावी माहौल की बात करें, तो लगातार जो वोटिंग प्रतिशत बढ़ता जा रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग की ओर से जितनी भी कोशिशें की गई कि ज्यादा से ज्यादा लोग घरों से बाहर निकले, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, आपको लगता है कि पिछले चुनावों के मुकाबले इस बार जो वोटिंग परसेंटेज है वो अप टू द मार्क हो पाएगा, बढ़ पाएगा? हालांकि 50 लाख नए वोटर्स एड हुए हैं तो संख्या तो जरूर बढ़ेगी। जी बिल्कुल, हर कोई परिवर्तन की बात करता है और परिवर्तन तभी संभव है सुष्मिता जब आप वोट देंगे, वोट के जरिए ही देश की विकास की बात हो सकती है। लेकिन युवाओं की अगर हम बात करें तो उनके अंदर बहुत ज़्यादा जोश है और जो पहली बार वोट देने आ रहे हैं उनको भी बहुत तरह से लुभाने की कोशिश की गई है, भरमाने की कोशिश की गई है। लेकिन आज के जो वोटर, युवा वोटर जो है बहुत ज़्यादा जागरूक है, इसलिए वो अपने तरीके से सोचने को बिल्कुल तैयार हो गए हैं और निश्चित रूप से अगर बदलाव की कल्पना करते हैं और चुनाव आयोग ने जिस तरह का माहौल बनाया है उसे देखते हुए सही कहा जा सकता है कि वाकई आने वाले दिनों में जो सरकार की तस्वीर होगी वो बदल सकती है, क्योंकि आम आदमी की जो सोच है उसको हमने बदलते हुए महसूस किया है और निश्चित रूप से अभी जो सरकार है उसके प्रति कहीं ना कहीं से आम आदमी के मन में एक शिकायत है, एक निराशा है, और अपनी निराशा को दूर करने का सबसे बड़ा जो मौका होता है लोकतंत्र में वो चुनाव का दिन ही होता है। और निश्चित रूप से आज जिस तरह से लोग जा रहे हैं तो हम कह सकते हैं, उम्मीद कर सकते हैं सुष्मिता की वोट का जो प्रतिशत है वो उसमें बढ़ोतरी जरूर होगी। बिल्कुल, उम्मीद की जानी चाहिए वोटिंग प्रतिशत बढ़ेगा, और अभी भी जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकले उन्हें निकलना होगा, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना होगा, क्योंकि आपकी भी जिम्मेदारी बनती है, तभी आप किसी पर दोष साबित कर सकते हैं, दोषारोपण कर सकते हैं, पहले आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। सुनील जी, तमाम नेताओं का अंदाज कॉपी करते हुए हमने आपको देखा है, मिमिक्री करते हुए देखा है, आज किसकी मिमिक्री करेंगे सबसे पहले? सबसे पहले तो इन दिनों काफी सारे स्लोगन बड़े हिट हुए, एक हिट हुआ था कि घर घर मोदी, घर घर मोदी, हर हर मोदी, घर घर मोदी। तो पति अगर काम के बहाने बाहर गया तो बार बार बीवी से घर के घर पे फोन करके पूछ रहा है मोदी घर पे तो नहीं है क्यों, यहाँ सुन रहा हूँ घर घर मोदी, घर घर मोदी, संभाल के रहना महिलाओं को सुरक्षा की जरूरत है उनसे, बोले क्यों, क्योंकि हर हर मोदी भी साबित हो रहा है, तो ही इज मोदी होता तो समझ में आता, हर हर मोदी तो संभाल के रहना। और मोदी जी भी बेचारे दिन में चार चार, पूरा वातावरण मोदीमय हो गया है। लोग मिठाई की दुकान में जाते तो ये नहीं बोलते कि मुझे मोती चूर का लड्डू चाहिए, सीधा बोलते एक मोदी चूर का लड्डू देना, देख देख के आंखों में जो है
अभी मोतियाबिंद ही मोदियाबिंद हो गया है, आमार शूर मोदीर शूर हो गया है, इतना सब हो गया है। और मोदी भी दिन में चार चार सभाएं पेश कर रहे हैं, तो शुरू शुरू में पहली सभा जब होती है तो उनकी आवाज़ जो होती है एकदम शेर जैसी होती है, मित्रो लगता है जैसे फ्रेंड फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे हैं, मेरे खुशबूदार इतरो मित्रो मेरा जनरल नॉलेज बहुत अच्छा है, मित्रो मैं जानता हूं मित्रो कि लंदन के एयरपोर्ट का नाम है हीथ्रो, मित्रो अब खुशियों के दिन आने वाले हैं मित्रो, इसलिए हर एक से रिक्वेस्ट है अब मत रो मित्रो, मेरे खुशबूदार इत्रो जिस प्रकार से मित्रो बालक के लिए माँ की गोदी जरूरी है, उसी प्रकार से मित्रो प्रधानमंत्री पद के लिए नरेंद्र मोदी जरूरी है मित्रो। लेकिन शाम तक इनकी सभाएं इतनी ज्यादा हो जाती हैं और जब एंड की सभा होती है तो उनके सामने पूरा पर्चा दिया जाता है कि इनका नाम भी लेना, इन्होंने बहुत खर्चा किया इस सभा के लिए। बिल्कुल। तो मंच पर बैठे हमारे परम मित्र शत्रु भाई हमारे गुरुजी चेला रमानी और तमाम सबको मेरा नमस्कार है मित्रो। सोनिया जी कहती है बेरोजगारों को काम देंगे मित्रो, कहाँ से देगी आप, कैसे काम देगी, कहाँ से आएगी नौकरियां मित्रो, जिस दिन मैं आऊंगा आपको नौकरी मिले ना मिले एक ईमानदार नौकर जरूर मिलेगा मित्रो। मित्रो सोनिया जी कहती है ये चाय वाला कहां से आ गया, मित्रो बेचने के लिए तो मैं कॉफी भी बेच सकता हूँ मित्रो, बट सोनिया जी कॉफी इज नॉट माय कप ऑफ टी। मित्रो लोग कहते हैं मोदी घमंडी है, तो हाँ मित्रों बिकॉज आई एम प्राउड ऑफ यू, अगर क्राउड पे प्राउड करना घमंड है तो है मित्रों मुझे है। मित्रों एक ही बात कहना चाहूंगा मित्रों कि इस कांग्रेस ने जगह जगह कीचड़ फैला दिया है मित्रों, और जहां कीचड़ और जहां होता है मल वहां खिलता है कमल। मित्रों भाई और बहनों अब तक हमारा प्रधानमंत्री मौन था, अब नमो होना चाहिए मित्रों। मित्रों क्या केजरीवाल क्या राहुल अपन दोनों पे भारी है मित्रों, क्योंकि राहुल कुवारा है केजरीवाल शादीशुदा अपन दोनों ही है मित्रों। मित्रों मोदी जी तीसरा दिन शुरू है मित्रों। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं मोदी लहर से सुनील पाल भी नहीं बच पाए, वो भी मोदीमय होते हुए दिखाई दिए। सुनील जी अब मोदी की बात हुई है तो कहीं ना कहीं हम चाहेंगे कि सोनिया गांधी राहुल गांधी किसी का तो आप एक मिमिक्री करके हमें। राहुल गांधी जब भाषण देते तो लगता है कि पब्लिक को डरा रहे हैं, हमने क्या नहीं किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, कांग्रेस ने क्या नहीं किया, भैया क्या नहीं किया कांग्रेस ने, लोग बोलते बताओ तो क्या नहीं, वही तो जानना चाहता हूँ क्या नहीं किया। 60 साल से हमारी पार्टी ने आपकी सेवा की, 60 साल से, इसी साल हमारी पार्टी सटिया गई है, मुझे मौका दो मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, लोग मुझे यूं ही फर्जी नहीं कहते, मैं अपना फर्ज निभाऊंगा, मेरे दादी ने इस देश को आगे बढ़ाया, पापा ने दुप्पट किया, मुझे मौका दो चौपट कर दूंगा। अमेठी हमारा गढ़ है, कई लोग हमारे वहां गड़े हुए हैं, वहां पर हमारा कुत्ता भी खड़ा हो जाए तो जीत के आ जाएगा, हालांकि इस बार कुत्ता नहीं मैं खुद ही खड़ा हूँ, उनका एक अलग स्टाइल है। और हमारे केजरीवाल जी वो उनको मैंने नाम रखा है मफलर किंग, मफलर किंग, मफलर बांध के टोपी पहन के मूछ उछ लगा के ऐसा लगता है जैसे पूरे घर के हालात बता रहे, इतने दुखी रहते हैं, क्या नहीं किया हमने, हमने अनशन किए, हमने नारे लगाए, हमने मार्च फरवरी के महीने में मार्च किए, क्या हुआ, कुछ भी नहीं हुआ, हम चाहते क्या है, हम लोग हम आम लोग चाहते क्या है, हम भ्रष्टाचार से लड़ना चाहते हैं, हम चाहते कि हमारे बाल बच्चों को खुशियां मिले, वो सब चीज़ें मिले,
और लेकिन ये सब भ्रष्टाचार है। मुझे लगता है कि सब इतना इतना ये लोग इतना केजरीवाल जी जांच करने के पीछे पड़ रहे थे, जब जिस दिन ये पैदा हुए होंगे उस दिन उस हॉस्पिटल पे भी इन्होंने जांच करवाई होगी। पैदा होते ही माँ बाप ने कहा बेटा तुम्हारा वेलकम है, तुम इस दुनिया में आए हो, दूध पी लो। नहीं मैं आज अनशन पे हूँ। पहले दिन ही पैदा होते आज मैं अनशन पे हूँ, धरने पे हूँ। बोले बेटा यहाँ किसको धरना है, ये हॉस्पिटल किसका है? बेटा अंबानी का, उसकी जाँच की जाए। सबसे पहले जांच की जाए मैं 10 मिनट लेट क्यों पैदा हुआ, इस हॉस्पिटल में भ्रष्टाचार है, इसकी जांच की जाए। तो डॉक्टर ही परेशान कि यार जच्चा बच्चा तो कई बार देखा था, ये जांचा बच्चा पहली बार देख रहे हैं। स्कूल में जाते तो स्कूल में टीचर बोलता था कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बैट, सी फॉर कैट। गलत बात है, भ्रष्ट मास्टर। ए फॉर आम आदमी पार्टी, बी फॉर भारतीय जनता पार्टी और सी फॉर कांग्रेस पार्टी, ये है आज का स्लोगन। भ्रष्टाचारी करते हो, तुम्हारे तो सारे स्टूडेंट भी भ्रष्ट हैं। स्टूडेंट भ्रष्ट है वो कैसे बेटा? अब ये परीक्षा देते हैं हाँ, फिर इनकी जांच होती है। बोले हाँ, तो जांच तो उसी की होती है जो भ्रष्ट होता है। उनके अलग अलग तो फंड लग रहते हैं। और केजरीवाल जी जब भी भाषण देते हैं तो हर आदमी पे जांच करने की वो सबसे इजाजत मांगते हैं। राहुल गांधी पे जांच की जाए, मोदी जी पे जांच की जाए, सोनिया जी पे जांच की जाए। बोले खुद की भी तो जांच कराओ। केजरीवाल जी ये बताइए कि आप हर सवाल के जवाब में खांसते क्यों हैं? मेरे गुरु ने कहा है कि सवाल कितना ही आम हो जवाब खास होना चाहिए, इसलिए मैं हर बात पे खांस देता हूँ। मैंने कहा आपके पार्टी से सभी लोग नाराज हैं, इससे तो पता चलता नहीं कि हमारी पार्टी कितनी पारदर्शी है। हर आदमी नाराज है, कोई भी राज नहीं है, सब नाराज है। मैंने कहा अच्छी बात है। और अन्ना जी हमारे वो मुझे मिल गए थे, उनका प्रणाम जी। मैं केजरीवाल के पक्ष में आया हूँ, केजरीवाल के पक्ष में मान आया हूँ, और इसीलिए वो साउथ में नहीं चुन के आ सकता। बोले क्यों? उधर सब अन्ना है। और वो हरियाणा भी नहीं चुनेगा, हरियाणा जो उसका गांव है नहीं चुनेगा। क्यों? क्योंकि इसका पार्टी का नाम है आप, और आप शब्द जो है हरियाणा में अपशब्द है, उधर अपने बाप को भी कोई आप नहीं बोलता है, तो ये उधर भी फैला है। केजरीवाल जी बोलते अन्ना जी आपको पता नहीं यहाँ पर महंगाई की गाज गिरी है, महंगाई की गाज हम पे बहुत गिरी है। तेरे को कैसे पता कि तेरे पे महंगाई की गाज गिरी है? क्योंकि मैं गाजियाबाद से हूँ तो मुझे पता है कि गाज कहाँ गिरती है। तो हर एक तरह से अपने तो ये पूरा ये तो खैर मैंने ट्रेलर बताया, तो पूरी तरह से इसका इस तरह के सटायर से बना हुआ हमारा वीडियो है। राहुल मोदी, राहुल केजरीवाल जो वोट फॉर सुनील पाल, और हमारे साथ में जो आशुतोष जी हैं, इनका एक दूसरा रूप भी आपको देखने मिलेगा जल्दी एज एन एक्टर। ये हमारी फिल्म मनी बैक गारंटी में जी मनी बैक गारंटी करवाते हुए दिखेंगे आपको एज एन एक्टर। बिल्कुल, हम इंतजार कर रहे हैं। लेकिन अब सुनील पाल यहाँ पर मौजूद हैं, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम रतन नूरा का कैरेक्टर कराए बिना इनको यहाँ से जाने दें। मौका है, दस्तूर है, तो सुनील पाल जी रतन नूरा हो जाए। रतन नूरा एकदम एक ऐसे कैरेक्टर जो समाज का वो कैरेक्टर पी के टाइट टुन रहते हैं, अब गिरे तब गिरे, हड्डी एकदम हड्डी छाप, फनी बोन हड्डी। मेरे पास में आके कहते हैं सुनील सोच रहा हूँ इलेक्शन में खड़ा हो जाऊं। मैंने कहा आप तो हिलते रहते हैं, इलेक्शन में कैसे खड़े होंगे? साले हम तो फिर भी हिले हुए हैं, हमको तो इलेक्शन में खड़ा होना ही मांगता है। बोले आप हिले हुए इलेक्शन में खड़े कैसे रहेंगे? सपोर्ट से। बोले आप हिले हुए, आपको सपोर्ट कौन देगा? साले हम तो फिर भी हिले हुए हैं, वहां तो उनको भी सपोर्ट मिलता है जो कम्प्लीटली गिरे हुए हैं। अब चुनके आ गए तो उनके पास पत्रकार लोग चले गए, आपकी न्यूज वाले भी चले गए। हम लेमन से आए। लेमन मतलब चकने से आए हो, बोतल कौन तुम्हारा बाप लाएगा? फिर कोई किसी ने बाजू और दो दो तीन मीडिया वाले थे, सर हम आज तक से आए। तो कल तक कहाँ थे भे? भागो यहाँ से। सर हम स्टार से, स्टार न्यूज से आए। एलियंस हो काबे? सर हम जी न्यूज से आए। तो जी हुजूरी बाद में करो। तरह तरह के लोग आ गए। लेकिन एक ने पूछा कि ये बताइए बेरोजगारों के लिए क्या सोचा आपने? सारे बेरोजगारों को काम पे लगा चुका हूँ। कैसे? मेरे चाचा, मेरा काका, मेरा खुद का बाप जो बेरोजगार था, सबको काम पे लगा दिया। अपने घर वालों को काम पे लगा दिया? क्यों, वो इस देश के नागरिक नहीं है? वो भी तो नागरिक, वो बेरोजगार थे, काम पे लगा दिया। बोले आपने कहा था कि गुंडागर्दी से राहत मिलेगी हम गरीबों को। बिल्कुल मिलेगी, जब शहर के सबसे बड़ा नेता हम ही हैं और 5 साल तक दिखने वाले नहीं हैं तो तुमको छेड़ेगा कौन, क्योंकि हम तो गुंडे भी हैं। आपने कहा था कि पानी से राहत मिलेगी। बिल्कुल मिलेगी पानी से राहत। अब तुमने वोट दिया, हम तुमको वोटर देंगे। अब देखो तुम तकलीफ में, बिल्कुल मत आना।
जून जुलाई में इतनी बारिश आएगी, छत खोल के रखो, डूब के मरो, हम तो बचाने भी नहीं आएंगे। अरे आप तो फिर नेताओं जैसी बात कर रहे, आप तो हमारे पास हाथ जोड़ के वोट मांगने आए थे, तो आप बदल गए। वोट मांगने नहीं आया था, तो मैं समझाने आया था कि भैया इलेक्शन नज़दीक आ रहा है, आपका वोट बहुत कीमती है, हमें मतदान करना। आपने हमें दान कर दिया, भावनाओं को समझो, अब रोते रहो, अब दोबारा चुन के नहीं आएंगे, अब देश बार बार बेवकूफ नहीं बनेगा। क्यों क्यों नहीं बेवकूफ बनेगा? बार बार बेईमानों से भरा हुआ है देश, 100 में से 80 बेईमान फिर भी देश महान कह रहे हो। अरे 80 बेईमान है तो क्या हुआ, 20% ईमानदार तो है, 20% से क्या होगा, 80% वोट हमारे साथ हमेशा रहेंगे और हम बेईमान चुन के आते ही रहेंगे। धन्यवाद। बिल्कुल, बहुत खूब। तो रतन नूरा का कैरेक्टर है वाकई जिससे सुनील पाल को पहचान दी है, और दर्शक हमारे हंस के लोटपोट हो रहे हैं, हम ये उम्मीद कर रहे हैं, चूंकि माहौल जो तनावपूर्ण बना हुआ था चुनावी सरगर्मियों के बीच, उससे हम हल्का करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर मुकेश भी हमारे साथ मौजूद हैं, हास्य कवि हैं। डॉक्टर मुकेश, बॉलीवुड से भी कई कलाकार इस बार कंटेस्ट कर रहे हैं चुनाव के दौरान, उम्मीदवारी भी पेश कर रहे हैं, चुनावी मैदान में हैं, उनके लिए कुछ हो जाए? मुझे नहीं लगता ये बॉलीवुड के लोग पता नहीं क्या सोच के वहाँ पर गए, क्योंकि राजनीति में ज़्यादातर लोग गंदे हैं, ज़्यादातर लोग वहाँ पर जिस तरह के लोग वहाँ पर काम कर रहे हैं वो देश का और समाज का तो कुछ भला करते नहीं हैं, सिर्फ अपना भला करने के लिए ही वो लोग वहाँ पर जाते हैं। मुझे चार लाइनें याद आती है कि नए दौर में ये इजाफा हुआ है, नए दौर में ये इजाफा हुआ है, लिफाफों के भीतर लिफाफा हुआ है, लिफाफों के भीतर लिफाफा हुआ है, और सियासत में शामिल हुए गिरगिटों को मंदी में भी भारी मुनाफा हुआ है। बिल्कुल, बहुत खूब। सुनील जी, बॉलीवुड से भी कई नेता, जैसा कि हमने बात की, गए इस बार इलेक्शंस में खड़े हो रहे हैं, आपकी कैंडिडेचर दिखा रहे हैं, उम्मीदवारी निभा रहे हैं, आप भी एक फिल्म अभिनेता हैं, आप किस तरीके से लेते हैं बॉलीवुड से या फिल्म कलाकारों का चुनाव से जुड़ना, जनप्रतिनिधि के रूप में सामने आना? देखिए, हेमा जी खड़ी हैं और वो चुन के आने का सपना देख रही है, तो वो सपना देख सकती है क्योंकि शी इज़ ड्रीम गर्ल, ठीक है, उन्हें वो सपना देखने का अधिकार है। और हमारे अमर सिंह के बारे में क्या कहूँ, अमर सिंह अपने आप पे इतना इतराते हैं, मैं सारे नेताओं पे भारी हूँ, सारे नेताओं पे मैं ही भारी हूँ मैं ही भारी हूँ सारे नेताओं पे मैंने कहा बताने की जरूरत नहीं, वो तो माशाल्लाह भारी है ही, वो बात नहीं है, मैं ज़्यादा जोक मत किया कर मुझ पर इसलिए भारी हूँ कि सारे के सारे नेता मरने के बाद अमर होंगे, मैं जीते जी अमर हूँ। मैंने कहा अच्छी बात है। और बाकी जो नेता है, जैसे इलेक्शन में जो मनोज तिवारी भी खड़े हैं, मनोज तिवारी को मैंने कहा प्रणाम भैया, कहाँ से आ रहे हैं? ए भैया सपा से आ रहा हूँ। अच्छा, मैंने कहा सपा फिर से ज्वाइन कर ली क्या सपा? बॉडी मसाज कहाँ होता है? मैंने कहा स्पा में, वहीं से आ रहा हूँ। ए भैया भोजपुरी को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहता हूँ भैया, आशुतोष भैया सुन लो, भोजपुरी को बहुत ऊंचे लेवल पे ले जाना चाहता हूँ, डिस्कवरी चैनल को भोजपुरी में ला रहा हूँ भैया। डिस्कवरी चैनल को भोजपुरी में ला रहे हैं, उसका नाम क्या होगा? खोजपुरी। ए भैया अंग्रेजी फिल्म को भोजपुरी में ला रहा हूँ भैया। कौन सी अंग्रेजी पिक्चर? गौड़जिला को। अरे बाप रे, उसका भोजपुरी में वजन, उसका नाम क्या होगा? गोंडा जिला भैया। अब भैया दुबे परिवार पर एक फिल्म बना रहा हूँ भैया, फिल्म का नाम क्या होगा? टाइटैनिक। तो इसमें दुबे परिवार से क्या संबंध? सारा परिवार डूबा ही तो था उसमें, सब डूबे परिवार तो थे। अब भैया मिश्रा परिवार पे एक फिल्म बना रहा हूँ भैया, उसका नाम भाग मिश्रा भाग। अब भैया यादव परिवार पे तो सोच के रखा कि जब जिस दिन मेरे पास आशुतोष भैया का फाइनेंस आ जाएगा, यादव परिवार पे एक फिल्म बनाऊंगा, फिल्म का नाम क्या होगा? यादव की बारात। भैया श्वेता तिवारी और हम एक पिक्चर में जल्दी आ रहे हैं, फिल्म का नाम मैं तिवारी तू तिवारी। और भैया अंबानी परिवार पे भी एक फिल्म बना रहा हूँ भैया, फिल्म का नाम अंबानी अंबानी। अच्छा भैया ये गजनी फिल्म की भोजपुरी रीमेक आ रही भैया मेरे साथ में, उसका नाम टकलवा भैल पकलवा। मैंने कहा ये अच्छी बात। भैया मल्लिका शेरावत पे एक भोजपुरी फिल्म बना रहा हूँ भैया, मल्लिका शेरावत पे भोजपुरी फिल्म, उसका नाम क्या होगा? भाग मल्लिका शेरावत है। बिल्कुल, बहुत खूब। सुनील जी, अब समय कम है, जाते जाते हमारे दर्शक आपको बहुत चाहते हैं, बहुत पसंद करते हैं, और वाकई आप जिस तरीके से लोगों को हंसाते हैं, उनको तनाव से दूर करते हैं, वो एक बड़ा काम है। आने वाले समय में लोग आपको किस रूप में देखेंगे, किस किरदार में देखेंगे और कहाँ देखेंगे? बहुत सारी फिल्में आ रही हैं, अलग अलग फिल्मों में मैं मराठी हिंदी भोजपुरी फिल्मों में काम कर रहा हूँ। आने वाली 8-10 फिल्में इस
2014 के एंड में और या 15 की शुरुआत में आपको देखने मिलेगी। और मेरी खुद की होम प्रोडक्शन फिल्म जो पहले भावनाओं को समझे थी, जिसको गिरीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था, इसमें मुकेश जी ने भी अभिनय किया था, आशुतोष जी उस वक्त नहीं थे, इस बार जुड़ गए। फिल्म का नाम है मनी बैक गारंटी। तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ, जिस तरह से वो भारत की पहली फिल्म थी जिसको गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड मिला था हमारी भावनाओं को समझो, तो इस फिल्म को भी आपका आशीर्वाद का अवार्ड तो पहले मिलना ही चाहिए, क्योंकि उसके बिना दुनिया का कोई भी अवार्ड बेकार है। और बाकी आप लोग इतना प्यार से मुझे पसंद करते हैं स्टेज टीवी पर, बस अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और हमेशा ये बल देते रहिए कि मैं कुछ ना कुछ नया करता रहूं आपके साथ। बिल्कुल सुनील जी, हमारी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं और आप ऐसे ही सफलता की नई सीढ़ियां चढ़ते जाएंगे और जिस तरीके से दर्शकों का आपको प्यार मिल रहा है वो आगे भी मिलता रहेगा और दर्शकों को आप ऐसे ही हंसाते रहें, यही उम्मीद हमारी भी है। बहरहाल आज की इस चर्चा में इतना ही, हमारे सभी खास मेहमानों को हम बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे कि हमें हंसाया, हमें गुदगुदाया। लेकिन अब अपने दर्शकों से ये अपील भी करेंगे कि आप आलस्य छोड़िए, अगर आपने वोटिंग नहीं की है तो घर से बाहर निकलिए, क्योंकि राजनीतिक परिदृश्य बदलाव की ओर अगर आप देख रहे हैं, उसे बदलने की ओर देख रहे हैं, एक नई उम्मीद की बुनियाद आप देख रहे हैं इस राजनीतिक परिदृश्य में, तो आपको घर से बाहर निकलना होगा, आपको अपनी जिम्मेदारी भी निभानी होगी। इस खास पेशकश में मेरी पूरी टीम के साथ मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।